सामने रखा है 600 रुपए का पिज्जा और 200 रुपए का पिज्जा, वो पनीर मखनी सेम फ्लेवर हमने लिया है। ये 600 रुपए का पिज्जा मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ। मेरा खाने के बाद यही सजेशन है। ऑलराइट फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कंपेयर करने वाले हैं 600 रुपए पिज्जा के साथ और 200 रुपए के पिज्जा के साथ। तो मेरे पीछे मेरे शॉप देख सकते हैं, इंडिकेट शॉप, जिसपे आज हम यहाँ पे तुलना करने वाले हैं 600 रुपए पिज्जा के साथ और 200 रुपए पिज्जा के साथ। तो देखते हैं इन दोनों में क्या फर्क है, अगर इतना महंगा होने के कारण इन दोनों में कैसा अंतर आता, तो आपको टेस्ट करके फिर आप बताते हैं। हमें यहाँ पे शूट करने की परमिशन नहीं मिली है, तो हम इसको अपने घर में ले जाके वहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि 600 रुपए पिज्जा और 200 रुपए के पिज्जा में क्या अंतर है। ठीक है, हम घर पर आ चुके हैं और मेरे सामने रखा है 600 रुपए का पिज्जा और 200 रुपए का पिज्जा। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं 600 रुपए पिज्जा का टेस्ट लेके और 200 रुपए का पिज्जा टेस्ट लेके। तो देखते हैं इन दोनों में जितना पैसों में अंतर है उतना खाने में अंतर आता है या नहीं आता। तो चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि मेरे को खरीदते वक्त ना इस चैलेंज को करने के लिए मेरे 600 रुपए इस पे गए और इस पे 200 रुपए गए, तो मेरे पूरे टोटल 800 रुपए खर्चे हुए। अच्छा, फिर इस कंपेयर करने की वजह से दोनों पनीर मखनी सेम फ्लेवर हमने लिया है, तो इनमें खा के देखते हैं इनमें 600 रुपए और 200 रुपए में क्या अंतर आता है। तो चलो आपको इनको अंतर बताते हैं और टेस्ट करके दिखाते हैं। देख सकते हैं आप देखने में, ये 600 रुपए के पिज्जा मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता इन दोनों में कैसा अंतर है, लेकिन इस पे मेरे पैसे बहुत खर्च हुए ये तो मुझे पता है। तो चलो ट्राई करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अभी हमने 600 रुपए पिज्जा ट्राई कर चुके हैं, अब देखते हैं 200 रुपए पिज्जा में क्या अंतर आता है, दोनों में क्या फर्क समझ में आता है वो आपको बताते हैं। देख सकते हैं अब इस बार नंबर आया 200 रुपए पिज्जा का ट्राई करने, तो चलो इसका टेस्ट देखते हैं कैसा है। दोनों में काफी अंतर समझ में आ रहा है खाने में। मेरा खाने के बाद यही सजेशन है कि जिससे आप 600 रुपए न अपने पैसे बर्बाद करके आप 200 रुपए का पिज्जा ऑर्डर करके खाना चाहोगे, इनमें सिमिलर सा टेस्ट है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप मेरे हिसाब से आप 600 रुपए ना खर्चा करके आप 200 रुपए का ऑर्डर करोगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, और कम से कम 400 रुपए बचाएगा आपके, क्योंकि आप उसपे 3 ऑर्डर कर सकते हैं, आपको केवल 1 मिलने वाला है। तो हमने तो अपने 600 रुपए इस पे बर्बाद कर चुके हैं। तो चलो अब आप अपने 600 रुपए वाला पिज्जा मत ऑर्डर करके आप 200 रुपए पिज्जा ऑर्डर करिएगा, तो आप लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलो हमने आपको दोनों में अंतर करके बता दिया। मैंने तो अपने 800 रुपए इन दोनों पिज्जा में, मुझे वीडियो शूट कर रहा था तो इस वजह से मैंने अपने 800 रुपए बर्बाद कर दिए हैं। तो आप लोग इसे घर पे मत ट्राई करिएगा, मेरी मम्मी कूट कूट के मारेंगे अगर आप लोगों ने पिज्जा पे 800 रुपए बर्बाद किए। तो चलिए, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में हमें बताइए, और हाँ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही मजेदार चैलेंज वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले चैलेंज के साथ। बाय बाय।